बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपका भाई अब्बास हमदानी और आप देख रहे हैं जाफरी आर्टियों। आज का हमारा मौजू गुफ्तगु है वाक़ मिनहाल इबन उमर। दोस्तों, मिनहाल इबन उमर सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवायत करता है कि मैं बाजार दमिश्क से सौदा सल्फ खरीद कर वापस जा रहा था। ये तो आपको मालूम है कि जिंदान शाम बाजार से मुलहक था और दर जिंदान शहर की तरफ खुलता था। मैं बाजार से होता हुआ जामा मस्जिद के पास से गुजरकर दमिश्क की आबादी की तरफ रवाना हुआ। चंद कदम चलकर मैंने देखा कि इमाम ज़ैन अल-आबिदीन अलैहिस्सलाम अपने लख्ते जिगर के हमरा मस्जिद से आने वाले रस्ते पर खड़े हैं। इनकी हालत ज़ार देखकर मैं रुक गया। इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम की दस्तार के वारस पर 25 साल की उम्र में आलम ज़ईफ़ी तारी था। सरकार पाक अलैहिस्सलाम असा के सहारे खड़े थे, मगर कमर खमीदा थी, पंडलियाँ इंतहाई नफीस और कमज़ोर हो चुकी थी और इनसे खून जारी था, क्योंकि उम्मत ने अगरचे महदूद अरसे के लिए जेवर पहनाए थे मगर इनके असार अभी तक बाकी थे। चूँकि मिजाजन आप बेहद नफीस व नाजक तबा थे, मैंने रुख अनवर पर निगाह की तो चेहरे पर जर्दी छाई हुई थी। मिनहाल कहता है कि मैंने इमाम पाक अलैहिस्सलाम से रस्मी हाल पूछा और कहा, कैफा असबहत या अबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए फरजंद रसूल मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी सुबह किस तरह हुई। अरब का दस्तूर है कि अगर किसी से हाल अहवाल पूछे तो यही कहते हैं कि आपकी सुबह कैसी हुई। इमाम अलैहिस्सलाम ने रोकर फरमाया कि तुम्हें इससे क्या गर्ज कि हमारी सुबह कैसी हुई, हमारा हाल जो भी हो तुम्हें पूछने की क्या जरूरत है। अब तूने जो रस्मी तौर पर पूछा है कि सुबह कैसी हुई, तो सुन, कैफा हाला मिन असबा व कत्ल अबवा व कत्ल इंसार, इसकी सुबह का क्या पूछते हो कि जिसका पितर बुजगवार बेदर्दी से शहीद हुआ हो और जिसके सारे अजीज व अकरबा व अहबाब शहीद कर दिए गए। कैफा हाला मिन असबा असीरन व गरीबन, इसका हाल क्या पूछता है जिसकी सुबह असीरी में और शाम गुरबत और मुसाफरी में हो। तो इस गरीब का हाल क्यों पूछता है कि जिसके पाक परदादारों सलवातुल्लाह अलैहिन ने अभी तक सेर होकर खाना ना खाया हो, कि जिसकी दर्द और रसीदा मस्तूरात सलवातुल्लाह अलैहिन के सर छुपाने की जगह ना हो, जो रात दिन अदादारी में मसरूफ हों, गिरिया उजारी और नोहा खानी में मसरूफ हों, जो बच्चों को बजाय लोरी की नोहे सुना के सुलाती हूँ। तो इस गरीब अलवतन से रस्मन पूछता है कि इसका क्या हाल है। मिनहाल ने बात बदलते हुए अर्ज किया कि आका, आप यहाँ क्यों खड़े हैं। इमाम अलैहिस्सलाम ने असा पर झुककर फरमाया कि मलाऊन शाम ने दरबार में बुलाया था, हम दरबार तक तशरीफ ले गए थे मगर अब तो चंद कदम चलना मुहाल हो गया, हम थक जाते हैं, अभी थक गए हैं इसलिए थोड़ा सा दम लेने के लिए रुक गए हैं। मिनहाल कहता है कि इनके हर फिक्र में बला का दर्द भरा था, गजब की चोट थी। फिर मैंने बात का रुख बदल कर अर्ज किया, सैयदी आप कहाँ जा रहे हैं। सर झुका कर फरमाया, क्या बताएं, अल मजलिस अल सिया फिया अल ऐसा लहू सकफ, हम इस जगह जा रहे हैं कि जहां ना छत है ना साया है ना सर्दी की कोई रुकावट है ना तबश आफ्ताब से बचाने वाली कोई चीज है। मिनहाल कहता है कि मैंने कलाम का पहलू फिर बदला और अर्ज किया कि मौला आपकी रहाइश कहाँ है, मैं मिलने आता रहूंगा। जवाबन रो के फरमाया कि मिनहाल अल्लाह ना करे शुरफा पर कोई बुरा वक्त आए, हम गरीबों को किसने मकान देना है, एक खस्ता हाल नूर महल है कि जिसकी छत नहीं है, वो तो एक खराबा है, सारे अर्श मकीन जमीन पर सोते हैं। फिर फरमाया कि मिनहाल मुझसे जिंदान में मिलने ना आना, क्योंकि मैं तनहा नहीं हूँ, मेरे साथ रसूल पाक की बेटियां सलवातुल्लाह अलैहिन हैं, सिवाय पर्दा तौहीद के इनका कोई पर्दा नहीं है, अजल के पर्दादार बड़ा घुटन वक्त गुजार रहे हैं, तू मुझे मिलने ना आना। मिनहाल कहता है कि मुझे इल्म ना था कि पाक मस्तूरात जिस नूर महल में रिहाइश पजीर है वो वहां से करीबी था। जब गुफ्तगू ने तूल पकड़ा और इमाम अलैहिस्सलाम को देर होने लगी तो दिया, अचानक एक पाक मस्तूर की सदा सुनाई दी कि सज्जाद लाल अलैहिस्सलाम आप बहुत कमजोर हैं, इतनी देर न खड़े हों, सारी फुफियां दर पर मुंतजर खड़ी हैं, मेरे लाल शामियों से हमारा एतबार उठ गया है, अंदर आ जाओ, हम एक बीमार के सहारे ही तो जी रही हैं।
जब इमाम पाक अलैहिस्सलाम जी आवाज सुनी तो फौरन नूर महल की तरफ तशरीफ ले गए। वाकियात इस जिंदान में है कि खुदावंद ने सब्र और तहम्मल इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम एक दिन बाहर तशरीफ ले गए। जब वापस आए तो पाक फुप्पी अम्मा सलावतुल्लाह अलैहिन के रुख अनवर पर आसार इत्मीनान मुलायजा फरमाया, हालांकि इससे पहले हमेशा इनके रुख अनवर पर उदासी छाई रहती थी। इल्म इलाही से निगाह की, फिर फरमाया कि अल्लाह आपको सदा सुख की रखे। फुपी जान सलवातुल्लाह अलैहा, आज क्या मुशाहदा किया कि आप बहुत मुतमिन नजर आ रही हैं। पाक मुअज्जमा ताहिरा बीबी सलवातुल्लाह अलैहा ने फरमाया कि मेरे लाल, जब हमारे बाबा जान अलैहिस्सलाम की कूफा में आखिरी रात थी, इनका सारे अतर हमारी आगोश में था। निसफ शब के बाद खिलवत में हमने अर्ज किया था कि बाबा जान, ये आपने क्या पसंद फरमाया है? अचानक हमें तनहा छोड़कर चले जाने की क्यों सूझी है? मेरी पेशानी चूमकर एक सर्द आह भर के उन्होंने फरमाया था कि मेरी पाक दुख्तर, इतने मसाइब से गुजरा हूँ कि अगर किसी बच्चे पर आते तो इसका सर सफेद हो जाता, कमर झुक जाती और वो इंतहाई ज़ईफ़ हो जाता। अब तक तो सब कुछ बर्दाश्त किया है, मगर अब हम थक गए हैं। जिस वक्त बाबा जान अलैहिस्सलाम ये फरमा रहे थे तो उन्होंने हमें शाम के हालात से भी आगाह फरमाया था। जब हमने सारे हालात सुने तो हमने अर्ज किया था कि प्यारे बाबा जान, अगर दुखों दर्दों से कहीं हम भी थक जाएं तो फिर क्या करें? बाबा पाक अलैहिस्सलाम फौरन उठकर बैठ गए और फरमाने लगे कि मेरी बहादुर बेटी, आपने दुखों से कहीं नहीं थकना है। अगर आपने थक के हिम्मत हार दी तो आपके नाना समेत 1,24,000 अंबिया की मेहनत पर पानी फिर जाएगा और हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। आपके प्यारे भाई के काफिला को कौन संभालेगा? आपने कहीं भी हिम्मत नहीं हारना है। हमने इनसे वादा किया था कि इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, इसलिए अब तक हम सारे दुख दर्द सब्र तहम्मल से बर्दाश्त करते आए हैं, मगर अब शाम के गुस्ताख माहौल ने हमारी हिम्मत पस्त कर दी है। आज रात हमने रोते रोते पाक बाबा अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि बाबा, हमने आपसे वादा तो किया था मगर अब हिम्मत जवाब दे रही है। एक तो ज़ईफ़ी है और आखिर हम मजदूर हैं, अब आप ही बताएं कि हम क्या करें। हम इसी नूर महल में यही अर्ज करने में मसरूफ थी कि आलम नीम ख्वाबी में हमने देखा कि हमारी पाक वालदा माजदा सलवातुल्लाह अलैहा यहाँ तशरीफ लाई है। स्याह लिबास है, परेशान जुल्फों से आपके मजलूम बाबा अलैहिस्सलाम का खून टपक रहा है। जब हमने अपनी पाक माँ सलवातुल्लाह अलैहा का ये हाल देखा तो हमने इनके कदमों में जाकर गिर पड़े और रोते हुए अर्ज किया कि अम्मा, ये आपने क्या हाल बनाया हुआ है? फरमाने लगी कि मेरी बेटी, अगरचा ज़हरन हम आपके साथ न थे मगर हर दुख में शरीक थे। आपको याद होगा कि रोजे आशूर आपके पाक भाई ने फरमाया था कि हमने देखा है कि हमारे पास नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाबा जान अलैहिस्सलाम और पाक वालदा सलवातुल्लाह अलैहा तशरीफ ले आई है। बेटा, हम सब तो इस वक्त भी मौजूद थे जब आपके प्यारे भाई ने आखिरी सजदा अदा किया था। जालम मसरूफ़ ज़ुल्म रहा, जब ज़र्ब चली और आपका भाई तड़पता रहा तो इस वक्त मैंने ही इनका पाक सर अपनी आगोश में लिया था। तुम्हारे पाक भाई के सर को जालम ने खुद मेरी आगोश से उठाया था। फिर जब 11 मुहर्रम की रात शाम गरीबा के वक्त आप सब रो रही थी और बीमार बेटे को आगोश में लेकर आपने मौत को भी रुला दिया था, फिर शब यजदहम मक्तलगाह में आपने खुद मेरे बैन सुने थे, एक एक जख्म को देखकर मैं लाश पर बैन करती रही। जब शहजादा अली असगर अलैहिस्सलाम की माँ के दर्द भरे बयान सुनती तो दिल टुकड़े टुकड़े होता था। ये सब कुछ बताने के बाद पाक माँ सलवातुल्लाह अलैहा ने मेरा सर बिल्कुल बचपन के अंदाज में अपनी आगोश में लिया, मुझे प्यार किया और तसल्ली देते हुए फरमाया कि बेटी, इंशाल्लाह जल्द ही आपके दुख खत्म हो जाएंगे। जब पाक हसन अलैहिस्सलाम के लख्त जिगर आपके मुंतके में हकीकी अजर अल्लाह फर्ज शरीफ तशरीफ लाएंगे, वो आप सब के सब्र अजीम का बदला लेंगे, ये तोलानी दुख खत्म हो जाएंगे, आप दोनों बहन भाई फिर आबाद होंगे, आपकी छाओं में हर बेटी की पाक जवानी परवान चढ़ेगी। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों,
आखिर में मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने मुर्शिद करीम सैयद मोहम्मद जाफर अल जमान लखवी अल बुखारी सरकार दामे ज़िल्लाहु ताला का। ये मजमून मैंने उनकी किताब मजालस अल मुंतज़रीन अला रोज़त अल मुस्लिमीन जिल्द पंजम से पेश किया है और आखिर में अपने पाक शहनशाह की बारगाह में दुआ करेंगे। अलजल अलजल या मुंतकिम पाक सईदा शरीकत अल हुसैन सलवातुल्लाह अलैहा। अलजल अलजल या मुंतकिम मौला सैयद अल साजिदीन अलैहि सलातु वस्सलाम। अलजल अलजल या मुंतकिम मौला करीम करबला अलैहि सलातु वस्सलाम। अजर अल्लाह ताला फरजक व सलवातुल्लाह अलैका या रब्बा मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद वजल फरज आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आले वसल्लम।